तो और ये हमारे पैकर्स बहुत शानदार तरीके से पैकिंग करते हुए चल पड़े हैं यहाँ पे। और ये राइडर ओम प्रकाश रेलू, राइडर अभिषेक और ये राइडर बनी। और ये देखिए ये रोहतांग वाला रास्ता है ये वाला, और रोहतांग वाले रास्ते से यहाँ से कटता है, ये कट गया स्पीति वाला रास्ता। और ये हमारा देसी ट्रैफिक, बट 390 चलाने में तो मज़ा आ रहा है गाइस, तो बीस लग रही है। और ये देखिए बन्नी महाराज जी हमारे, बाइक हमारी पीछे छूट गई और ये चाबी साथ ले आए। वाह, बॉर्डर क्रॉसिंग करते हुए राइडर द बन्नी क्रैक चली। चाचू चाची ढाबा बहुत सुना इसके बारे में। दोस्तों बड़ी मशक्कत करके हम पहुंचे यहाँ पे चंद्रताल के सामने, मेरे सामने झील है यहाँ पे। हाय हाय फट गई कसम से, कैपेसिटी बहुत कम है। और ये देखिए यहाँ पे ये है चंद्रताल। और देखिए रात को 10:30 बजे हम यहाँ से वापिस जा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोकसर। आज हम निकले हैं चंद्रताल के लिए। कल रात को हम यहाँ पे पहुँचे थे, कल रात को हम लगभग 7-8 बजे के करीब यहाँ पहुँचे और कुल्लू से थोड़ा लेट आए थे, तो उसी वजह से हम लेट हुए। और अभी रूम की कुछ ऐसी हालत है। ये तो पूछो लेट कितने की है। हाँ लेट इसने किए, ये देखो सबसे लेट वाला। मेरे पे ये आरोप आता है उसके बाद, मैं ही लेट करता हूँ। सही बात, बट ये सभी लोग लेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी कोकसर में है, थोड़ी देर में हम निकल रहे हैं यहाँ से। मौसम थोड़ा सा हल्का सा बादल है मौसम में, और देखते हैं बाकी बाहर निकल के क्या रहता है आज का। काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा डगमगाया है। और ये कुछ बोल रहा है जल्दी तैयार हो जाओ, अब टाइम हो गया। 9 बज गए हैं यहाँ से निकल रहे हैं, लगभग 10 बजे यहाँ से हम निकल जाएंगे ब्रेकफास्ट वगैरह करके। आज रात को स्टे होगा हमारा चंद्रताल में ही, तो उसके बाद हम निकलेंगे सुबह, आई थिंक कल दिन जैसे कोई वहाँ से निकलेंगे सीधा कुल्लू के लिए। तो चलिए देखते हैं जर्नी कैसी रहती है, बने रहिए ब्लॉग में, चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे कुछ यहाँ पे हमारा प्रो राइडर पूरी राइडिंग पैंट जैकेट को तैयार करते हुए अपने, और ये इसका मोटो ब्लॉक का सेटअप। मोटो ब्लॉक देखना होगा तो इसका देखिए, यहाँ पे हम रुके थे कल रात को। और ये अभिषेक भाई हेलो, और ये देखिए कितनी मुश्किल होती है इन जुगाड़ को पहनने में। ये पहनते इसने कर दी फिट, जैकेट भी ऐसे पीछे पूंछ की तरह लगाना पड़ता है, नहीं तो हिलती नहीं है ना जैकेट, इसलिए नहीं है। और ये जैकेट पैंट और जूते का अगर आप वज़न पूछोगे तो मेरे ख्याल से 10 किलो के बीच होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। ये देखिए मौसम भी खुलता हुआ, आई थिंक सुबह सुबह यहाँ पे ये थोड़ा सा ख़राब रहता है मौसम। और ये देखिए बिल्कुल साफ। ये हमारा बाइक नंबर 1, बाइक नंबर 2, ये हमारी मालगाड़ी है, और ये बाइक नंबर 3। इस मालगाड़ी को मैं और अभिषेक भाई चला रहे हैं। तो और ये हमारे पैकर्स बहुत शानदार तरीके से पैकिंग करते हुए पूरा जद्दोजहद लगाते हुए। ये है हमारा बैकअप पेट्रोल पंप, मिनी पेट्रोल पंप, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा सा नहीं हो गया, ठीक है चल पड़ेगा। यहाँ पे बजरंगबली जी का मंदिर, और यहाँ पे पिछली साइड है माता कोकसर का मंदिर। ये पैकिंग कर दी है बिल्कुल, चल पड़े हैं यहाँ पे। और ये राइडर ओम प्रकाश रेलू, राइडर अभिषेक और ये राइडर बनी। चलिए यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं यहाँ पे इस वाले ढाबे में, और यहाँ से हम निकलेंगे सीधा। और जाने से पहले स्पीति वाली साइड को जो भी जाता है यहाँ से, तो यहाँ पे जो ये चौकी है यहाँ पे एंट्री करवाई जाती है, गाड़ी
कितनी गाड़ी और कितने लोग जा रहे हैं। तो ये हमारे बाइक से इसकी हमने एंट्री करवा दी। अब थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके पूरा 10 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए, जर्नी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो दोस्तों, ऑफिशियली यहाँ से हम अभी 10:10 हो चुके हैं। अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं चंद्रताल की ओर। चंद्रताल के लिए आई थिंक यहाँ से कम 7 या 8 घंटे लगेंगे। अभी मेरे साथ पीछे से साथी आ रहे हैं, ये देखिए चल पड़े। ये पहले मेरे साथ ही अभिषेक, योर राइड इज रेडी ब्रो, या चलो चलो चलो। और ये सेकंड, और थर्ड बंदा कहाँ रख दिया? थर्ड बंदा पीछे। और हमने जाना है इस साइड से आगे को। ये रोहतांग वाली पहाड़ी है ये जो दिख रही है आपको सारी। तो ये हमारे अभिषेक राइडर जी, अभी ये चलाएंगे, फिर उसके बाद हम शफल हो जाएंगे। अरे यहाँ से बन्नी ने की, और हमारे गोविंद सर। ओके ओके, चलिए चलिए गाइस। और ये देखिए, ये रोहतांग वाला रास्ता है ये वाला, और रोहतांग वाले रास्ते से यहाँ से कटता है, ये कट गया स्पीति वाला रास्ता। और ये देखिए, स्टार्टिंग से ही ऑफ रोड है। चलो चलो चलो, चलिए ऑफ रोड शुरू करते हैं, चलो चलो। तो और ये देखिए, यहाँ से शुरू हो गया ऑफ रोड। तो ये तो नॉर्मल वाला ऑफ रोड है, ये देखिए। और एक्सट्रीम इसके बाद कहते हैं हमारे अभिषेक भाई आगे गए हैं, तो कहते हैं कि एक्सट्रीम से भी खतरनाक है यहाँ से आगे। बंदे वापस आते हैं, हाँ बंदे वापस आते तो होंगे, बट कैसी हालत में आते होंगे तो आप खुद ही देख सकते हैं। और ये देखिए, है तो यहाँ से चंद्रताल सिर्फ और सिर्फ 61 किलोमीटर। और ये जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको, ये है रोहतांग वाली पहाड़ियाँ। यहाँ से रोहतांग पास आगे को यहाँ ऊपर से। और ये देखिए, अब हम घुस चुके हैं स्पीति वैली के लिए। देखिए, थोड़ी थोड़ी चढ़ाई यहाँ से शुरू होती हुई। और हमारा एक साथी बहुत ही आगे, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल, अपनी शक्तियों का पूर्ण इस्तेमाल करता हुआ राइडर रेलू, रेलू ब्लॉक्स राइडर ओपी, ओपी मतलब ओम प्रकाश ओपी। धीरे धीरे चढ़ाई थोड़ी थोड़ी ऐसी ऐसी होती हुई, ऐसी ऐसी होती हुई। और देखिए नीचे से ये चंद्रा या भागा, पता नहीं कौन सी रिवर है। और देखिए छोटा सा झरना है, छोटी छोटी वाटर फॉल्स यहाँ पे बहुत है। और ये देखिए सामने भी सुंदर सा झरना, ऊपर देखो। हाँ हाँ, वीडियो बना रहा हूँ। ये स्पीति राइड करके वापिस आ गए हैं बंदे। हाँ, और ये हम लोग अभी जा रहे हैं। और ये देखिए एक परे गांव दिख रहा है, ये कह रहे हैं क्या नाम है इसका, छत्रु, छत्रु छत्रु गांव है इसका नाम। और फर्स्ट जो हमारा एक जो रुकने का पॉइंट था वो यही है, वहाँ पर जाके हम रुकेंगे तो ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है। और ये हमारा देसी ट्रैफिक स्पीति के रोडों में। अब यहाँ से जो हमारा रोड ट्रेल है वो यहाँ से नदी नदी के साथ साथ था उस गांव तक होगा। और देखिए यहाँ पे माल ही माल, पैसा ही पैसा, पैसे वाले लोग। तो दोस्तों यहाँ हम पहुँच चुके हैं छत्रु। छत्रु में एक स्टॉप यहाँ पे है, और यहाँ पे ये ब्रिज, ये थोड़ा पुराना हो गया पर वाला। कितने की? बहुत शानदार एवरेज स्पीड हमने मेंटेन की अभी तक। हाँ, लगभग 25 से 30 किलोमीटर हमने 1.25 घंटे के अंदर कवर कर लिया बाइक पे। ओके, थैंक्स टू मी। या थैंक्स टू मी आल्सो।
थैंक्स टू विम। और इस अंदर ऊपर देखिए एक झरना गिर रहा है पर ये नीचे नहीं पहुंच पा रहा है, ये इतनी तेज हवा है, बहुत अच्छा है। झरना गिर रहा है बट ये नीचे नहीं पहुंच पा रहा, इतनी तेज हवा है, आधे में एक गायब हो रहा है ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं चला रहा हूँ 390 और ये शिफ्ट हो गया है। और ये देखिए 390 चलाने का मज़ा अलग है यार गाइस। तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ से, बहुत ही शानदार, पहली बार मैं इस साइड हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे नदी भी कितनी क्लीन है और शानदार। और ये देखिए ऊपर कुछ लाल लाल जैसा दिख रहा है, ये फूल टाइप का कुछ, बट 390 चलाने में तो मज़ा आ रहा है गाइस। सच में ऑफ रोड बीस्ट, ऑफ रोड बीस्ट लग रही है। और ये मैं देखिए उधर से यहाँ से आया या क्या मज़ा आया इसको चलाने का। यहाँ से मैं खड़ा खड़ा आया सेटलिंग करते करते और यहाँ तक, और हमारे दूसरे साथी अभी काफ़ी पीछे है मेरे ख्याल से, आए नहीं। और ये देखिए बन्नी महाराज जी, हमारे बाइक हमारी पीछे छूट गई और ये चाबी साथ ले आए। वाह, हम तो उसे सोच रहे यार वो बाइक लेके आ ही नहीं रहे, चक्कर क्या है। और ये देखिए ये हमारे भैया, ठीक है आप, अब इसको जाना पड़ेगा वापिस उनको लाने के लिए। और ये देखिए कम से कम 15 मिनट हमको हो गए हैं बट वो अभी तक नहीं आए, क्योंकि वो जो गांव है इसके पहाड़ के दूसरी साइड आगे को है, पर परे से दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। जो पीछे बैठा है इंसान, ये चाबी साथ में ले है और बाइक के साथ उन बंदों को वहीं पे छोड़ के आएगा। और हम ये वीरान सी जगह पे उनका इंतज़ार करते हुए, हमारी नज़र उस वाले पॉइंट पे है, उस वाले पॉइंट पे कि कब यहाँ से आए। तो और ये देखिए इस महान पुरुष की वजह से वो लोग अभी आ रहे हैं, कम से कम आधा पौना घंटा हम लेट हो चुके हैं। ये पर्सन है जो जेब में चाबी ले घूमता है, सालों के दो बंदों को पीछे छुड़वा दिया। और यहाँ पे नेटवर्क नहीं है और ऊपर से वॉक टॉकी वगैरह किसी ने लाया नहीं था हमारे पास, और इसी बंदे ने मना किया। वो बेचारे कम से कम बोल तो देते कि हमारा यार हम पीछे रह गए, हमारे पास कुछ नहीं है। चिल्ला भी रहे थे आप। यहाँ पे एक और बात है, खास बात यहाँ पे स्पीति और लाहौल की ये है कि हर 10 किलोमीटर में आप तो देख सकते हैं यहाँ पे टाइम चेंज हो जाती है, नज़ारा चेंज हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे ये पूरा पहाड़ ही पहाड़, और एक साथ ही हमारे पहुँचते हुए। और यहाँ पे ये खुला सा एरिया है, यहाँ पे टेंट चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए वाटर क्रॉसिंग, बन्नी ने भी यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग करते हुए जूते मेरी लगा दी। और ये देखिए ये है तगड़ी वाली वाटर क्रॉसिंग, और एक बंदा हमारा पर ही रुक गया। और उधर फसी है गाड़ी, और ये देखिए इधर से हमारे बन्नी वाली वाटर क्रॉसिंग करते हुए राइट द बन्नी क्रैश। चलिए चलिए और ये देखिए जूते गिल्ले हो गए गाइस। ऑल्टो भी फंस गई यहाँ पे, जूतों में सबके पानी घुस गया ऑलमोस्ट, ये फंस गई थी यहाँ पे और ये ऑल्टो फंस गई यहाँ पे। देखिए जिमनी, जिमनी का टेस्ट, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी गाड़ियाँ फंस गई थी। और जिमनी सक्सेसफुली पास, और ये देखिए चारों तरफ
खुला आसमान और ये देखें यहाँ पे लाल पहाड़ियाँ, पहाड़ यहाँ पे लाल हो चुके हैं। ये देखिए हमें कुछ फीलिंग सी आ रही है कि हम नज़दीक पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ वैली की थोड़ी सी नज़दीक हो गई है और खुला खुला सा यहाँ पे नदी का एरिया हो गया है। मुझे लग रहा है ये वाला पॉइंट हो सकता है। तो दोस्तों हम पहुंच गए बाथल, बाथल में जो फेमस ढाबा है यहाँ पे चाचू चाची ढाबा, बहुत सुना है इसके बारे में। तो अभी हम पहुंच गए हैं बाथल, यहाँ से चंद्रताल थोड़ा ही रह गया, हमने लगभग 4.5 घंटे के करीब करीब लगाए यहाँ पहुँचने। बीच में हमने काफ़ी जगह स्टॉप लिया, रुके और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। रोड मैंने एक्सपेक्ट किया था और ज़्यादा ख़राब होगा, बट ठीक था, उतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं रहा। अभी यहाँ के कुछ ये नज़ारे हैं, अभी यहाँ पे हम लंच करेंगे चाचू चाची ढाबा पे। टूर आपको दे देते हैं चाचू चाची की ढाबा का। चटनी के रिव्यू दो, चटनी के रिव्यू, थ्री टाइम प्राइस है, चटनी अरे हमारे चाचा जी, हेलो चाचा जी, हेलो चाचा जी, कैसे हैं आप? बहुत सारे लोगों को बताया आपने, क्या बात। और ये देखिए अभी अभिषेक भाई उसमें और मैं इन दो में से चलाऊंगा इसे। चलिए चलिए दोस्तों, टाइम हो गया है, चलिए हो गया यहाँ से निकलने का टाइम, तो चलते हैं, निकलते हैं अब चंद्रताल की तरफ। यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर बचा हुआ है, तो चलते हैं मिलते हैं। और ये देखिए इस पॉइंट से हमने चंद्रताल को यहाँ से सीधा जाना है, इस वाले रोड से, ये स्पीति रोड और ये चंद्रताल रोड यहाँ से आगे को जो ये जा रहा है। तो अभी मैं और मेरा भाई साथ चले हुए हैं, बाकी बाइकर्स हमारे पीछे से। एंट्री हो चुकी है चंद्रताल के लिए, अभी यहाँ से मेरे ख्याल से कम 8 या 9 किलोमीटर आगे बच गया है। तो चलिए अब मिलेंगे सीधे आपको चंद्रताल में, तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग। और ये देखिए रोड यहीं तक है, इससे आगे रोड नहीं है, तो यहाँ से हमें जाना पड़ेगा पैदल। 2-3 गाड़ियाँ लगी हुई है, तो चलिए फाइनली पहुँच गए, इसके बाद चलते हैं चंद्रताल लेक।
तो ये है हमारा एंड पॉइंट, यहाँ पे हमने बाइक बुक लगा दी है और हम यहाँ से अब चल पड़े। अभी मैं और मेरा भाई हम दो ही पीछे बच गए, बाकी सभी लोग आगे पहुँच गए। और मेरी तो काफ़ी लग चुकी है, मैं टेबल पे ज़्यादा थक गया है बेचारे के, बस मान भी बहुत ज़्यादा है और मेरे से पैदल चलने में भी पड़ रही है, मुश्किल है थोड़ा, मुँह सूख रहा है मेरा, बट तो चलो चलना पड़ेगा। पर जो नीचे नीचे वाला पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये वाला यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरी अति हो गई थी, लेकिन अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है यहाँ से ऊपर जब से आए। फाइनली थोड़ा ये टॉप जैसे पे पहुँचे, फट गई गाइस सच में। बट ये लोग भागते भागते आ रहे थे यार। यस हाय सर, नाउ हाय। और ये देखिए उधर भी एक लेक है, ये कौन सी लेक होगी परे वाली? पक्का अच्छा, तो पीछे ये जो एरिया दिख रहा है आपको, पीछे ये है ग्लेशियर वाला एरिया जो पीछे दिख रहा है, और यहाँ से चंद्रा नदी यहाँ से जाती हुई आगे गांधी पुल तक निकलती है, चंद्रताल। और ये हमारे दूसरे साथी आ गए। हम दोस्तों बड़ी मशक्कत करके हम पहुंचे यहाँ पे चंद्रताल के सामने, मेरे सामने झील है यहाँ पे। आए आए फट गई कसम से, कैपेसिटी बहुत कम है। और ये देखिए यहाँ पे, ये है चंद्रताल। यहाँ पे ये जो शैडो पड़ रही है, ये पहाड़ों की शैडो पड़ रही है, अगर हम नीचे जाएंगे तो पूरी की पूरी नीली दिखाई देगी। है तो वैसे काफी नीचे, पर तब भी मैं जाने का थोड़ी सी हिम्मत जुटा के आया हूँ। ऊपर चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बिकॉज चढ़ाई में यहाँ पे थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो जब चल गए हैं, चल पड़े हैं, पहुँच चुके हैं, तो फिर का है को मन में मलाल रखना कि सभी लोग चले गए, मैं नहीं चला, मैं नहीं गया। तो चलिए चलते हैं नीचे, ऊपर आते हुए आपको दिखाएंगे कि सही हालत है या नहीं। थोड़ा सा चंद्रताल का व्यू भी आपको दिखाते हैं। चंद्रताल वैसे अमेजिंग लग रही है, इसमें थोड़ी सी पहाड़ पे शैडो पड़ रही है, ये जो सामने जो ये है पहाड़, इसके झील पे सॉरी। अभी नीचे जाएंगे तो ये ऐसा थोड़ा थोड़ा नीला हो रहा है, जैसे नीचे पहुंचेंगे तो पूरा नीला दिखेगा। देखिए ये है आपका चंद्रताल लेक, यहाँ पे पहुँच चुके हम इस लेक पे, सुंदर सी लेक है। और थोड़ा सा इस साइड को नीला जैसा कलर आ रहा है, गोल्डन शेड पहाड़ों की आ रही है। अगर हम उस पॉइंट पे जाएंगे तो ये बिल्कुल नीला दिखेगा, आसमान की तरह। उस तरफ की साइड को जाएंगे सुबह, और अभी जो है अभी चल पड़ते हैं वापस। और चंद्रताल लेक एक नंबर, 10 out of 10। बट सबसे बड़ा टास्क अभी शुरू हो गया है यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर पहुँचने के लिए, जिसमें कि बनेगी। चलिए शुरू करते हैं चढ़ाई, चढ़ना। हाँ जी भैया, कैसा लगा आपको अभी? अभी ज़रा हम थक गए हैं, ऊपर चढ़ना बाकी है। बाकी झील बहुत अच्छी थी, बस थक रहे हैं। हर्ष गोविंद भाई पहुंच गए हम, हमारी कुटिया रेडी हो चुकी है। ये रही कुटिया, एक दूसरी कुटिया और लगेगी यहाँ पे। ये हमारी डेस्टिनेशन है आज की, जहाँ पे हमने स्टे करना है। तो यहाँ पे धान का रोपे टाइप लग रहा है। हाँ
पहाड़ के दूसरे साइड को आ गए हम, बहुत ही दूर वाली साइड पे। चलो ठीक है, एक दूसरा टेंट लगना है। मेन बात ये है कि पहुंच गए, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। स्टार्टिंग में जब हम उधर से आ रहे थे इधर को, इस साइड से, उस टाइम थोड़ा सा हो गया था, बाकी अदरवाइज वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया रहा। और ये हमारे टेंट लग गए हैं, चलिए देखिए पूरा कैंपिंग का सामान हमारे ओम प्रकाश चलो है। और ये गैस बर्नर है, और ये पैन है जिसमें सामान 2% का है, 2% का है। और ये देखिए ऐसे खोल के, कहाँ से लिया आपने? डिकैथलॉन से। शांता ये फ्राई, यहाँ पे फ्राई पैन, इसका ढक्कन भी बंद होता है। वाह वाह। और ये क्या चीज़ है पीछे जो है रखी? ये आपका कड़छी, चावल चूबल निकालने और उसके लिए। अच्छा, ये सुपर आइटम कोई भी है। वाह अच्छा। ये तुम्हारी कॉलियाँ 2 बंदों का। ओके खाओ खाना अंदर। ये क्या नीचे वाला क्या? ये इसका दूसरा कहता है। अच्छा बहुत शानदार। और ये हमारा सेटअप तैयार हो चुका है, देखिए गैस चल रहा है। चंदा ताल का पानी, ये जुगाड़ू बंद है। देखिए मैगी डल रही है गाइस, मैगी डल रही है, मसाला भी डल गया था। और ये हमारे मास्टर शेफ, अरे देखिए मैगी हमारी क्या रही, कितनी मैगी डाली सर? 5 मैगी डाली हमारे शेफ ने, शानदार बनती हुई। बोटी लग रहे हो, बढ़िया यार, कमाल कर रहा। और यहाँ रात के 10 बजे हमारा एक साथी देर हो चुका है, तो है उसके लिए जल्दी आज कंटेंट वाली बात करें, टू करना पड़ेगा इसमें फिर भी। अरे ये तो कुछ ही नहीं रही, क्या कर रहे हो यार? हाई एल्टीट्यूड है ब्रो, रुको सुनो, इसको डालो वाला खुद तक, दूसरी डालते। ये काम करो आप भाई, मैं बताऊँ एक अच्छी चीज, इसको जुराबे उतार के सो जाओ आप। और देखिए रात को 10:30 बजे हम यहाँ से वापिस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टेंट पिकिंग के लिए मना किया हुआ है। और हम वापिस जा रहे अभी, ये देखिए हमारी हेल्प की इतनी रात को। ये है और इस गाड़ी में हम लोग आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, डे 2 का, और हम रात को यहाँ टेंट को आए थे नीचे वापस। और रात को हालत भी थोड़ा सा ठीक ठीक थी, बट एल्टीट्यूड सिकनेस हुई और थोड़ा सा ठंडा भी हो गया, जुखाम भी हुआ अभी हम। और ये वो जगह है जहाँ वही हम रुके, ये वो टेंट है। और इस वाले टेंट में हम रात को पहले बाहर सोए थे, फिर उसके बाद अंदर सोए। और ये वाले भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमारा ऊपर से रेस्क्यू किया यहाँ को। अदरवाइज हम यहाँ ऊपर इस वाले पॉइंट से ऊपर थे गए हुए।
और ये अपने नील भाई, इन्होंने रात को बड़ी हेल्प की और रात को भी इनके टेंट में रुके थे। बहुत बहुत थैंक यू भाई आपका, बहुत ही अच्छी हॉस्पिटलिटी है इनकी, बहुत बढ़िया लगा मिलकर। भी ये जान पे जान के निकल गए, सारे दोस्त थे लगभग जिस सबके साथ। रात को ख़तरनाक सीन हुआ था, ऊपर फंस गए थे बट इन्होंने हमको गाड़ी में ही नीचे ले आया और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी बट चलो सब बढ़िया रहा, थैंक यू। और ये देखिए यहाँ पे हमारी पैकिंग शुरू हो चुकी है वापस निकलने के लिए, कुल्लू निकलने को। दो कर बंदे फिर से आज चंद्रताल जा रहे हैं ऊपर बट हम लोग यहीं पे वेट करेंगे। ये दो भाई तो जा रहे हैं, बाकी नज़ारे बहुत ही शानदार हैं यहाँ के। अरे देखिए टाइम हो गया है, 12 बज गया, अभी वापस निकल रहे हैं यहाँ से तो अलविदा इस लोकेशन को, देखते हैं आगे कंडीशन बनेगी तो अभी चलते हैं, बाय बाय करते हैं इस लोकेशन को। तो मिलते हैं अब कुल्लू में, अब आगे कुछ मिलेगा तो बनाएंगे, अदरवाइज चलते हैं। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को, यहाँ से आगे इस ये जो चेक पोस्ट है यहाँ से आगे किसी को भी टेंट लगाने नहीं दिया जाता है। कल हमारा थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया था यहाँ पे, इन्होंने इस चीज़ के बारे में नहीं बताया था, हम थोड़ा आगे चले गए थे बट फिर बाद में हमको नीचे आना पड़ा। जो नीचे वाले भाई साहब थे उनके साथ हम आए, उनका टेंट है नीचे वाला। तो चल लंच टाइम, क्या नाम था यहाँ का बोलिए, छत्रु। फाइनली हम मेन रोड में टच हो गए यहाँ पे, स्पीति वाले रोड से देखो। और गोभी और ये चेक पोस्ट हमने क्लियर कर लिया है कोक्सर का और हम पहुँच गए कोक्सर, अभी चल पड़े हैं यहाँ से। मेरे पीछे मनाली की दूसरी साइड, सॉरी टनल के दूसरी साइड को देखिए, मौसम बिल्कुल अलग। और ये देखिए अब पहुँच गए हम 6 बजे भाई, करो एक्सपीरियंस कैसा था भाई साहब? मेरा तो जबरदस्त था, तुम्हारा बताओ, अपना अपना बताओ। फाइनली हम लोग कुल्लू पहुंच चुके हैं, 6:30 बज चुके हैं एक्चुअली, 12 बजे चले थे हम चंद्रताल से तो 6 बजे हम पहुंच गए हैं। चलिए यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। आता है पर थोड़ा टाइम लगता है, पर जुड़े रहिए। पीछे तो डाल दे वाले, क्या बोल रहे हो? उनका बहुत बहुत धन्यवाद यीशु का और इस जैकेट का जो क्या मतलब जिसने मुझे बचाया, मेरे को बचाया और यहाँ तक जिंदा वापस आ गए। कल रात को हम एक बुरा सपना समझ के भूल जाएंगे, क्यों गोविंद सर? मैं और आप, बिल्कुल।